142 बटालियन सीआरपीएफ जोनाकी नगर गोलाघाट स्थित वाहिनी के मुख्यालय में 82वीं सीआरपीएफ का स्थापना दिवस मनाया गया। उक्त अवसर पर 142 बटालियन सीआरपीएफ के द्वितीय कमान अधिकारी रतु दास के नेतृत्व में शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। उक्त अवसर पर धर्मेंद्र कुमार उप कमांडेंट, जुगल कुमार शर्मा उप कमांडेंट और डॉक्टर टी बालाजी चिकित्सा अधिकारी एवं अधीनस्थ अधिकारी और जवानों की उपस्थिति रही। उपरोक्त कार्यक्रम के दौरान कोविड-19 महामारी के सभी दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए स्थापना दिवस का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि सीआरपीएफ को 27 जुलाई 1934 को नीमच में मध्य प्रदेश में क्राउन प्रतिनिधि पुलिस के रूप में 27 जुलाई 1939 को अस्तित्व में आया। भारत की स्वतंत्रता के बाद यह 28 दिसंबर 1949 को सीआरपीएफ अधिनियम के लागू होने पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल बन गया। कानून व्यवस्था और आतंकवाद विरोधी कर्तव्यों के अलावा सीआरपीएफ ने भारत के आम चुनाव में एक बड़ी भूमिका निभाई है। यह विशेष रूप से जम्मू कश्मीर, केंद्र शासित प्रदेश LW क्षेत्र और उत्तर पूर्व भारत में अशांति और अक्सर हिंसक संघर्ष की उपस्थिति के लिए तैनात। संसदीय चुनाव के दौरान सीआरपीएफ ने सुरक्षा व्यवस्था में प्रमुख भूमिका निभाई है। सीआरपीएफ की टुकड़ियों को संयुक्त राष्ट्र मिशनों में भी तैनात किया जा रहा है। धनसिरी से राकेश कुमार यादव की रिपोर्ट।